इस वीडियो में ये दिल आशिकाना मूवी का बिहाइंड द सीन मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग मूवी से रिलेटेड अननोन फैक्ट्स के बारे में भी जानोगे। यह मूवी बेसिकली स्कॉटलैंड, लंदन, हैदराबाद, ऊटी और मुंबई में शूट हुई है, जिसमें से मैक्सिमम सीन मुंबई फिल्म सिटी का है। ये दिल आशिकाना मूवी का या बिहाइंड द सीन क्लाइमेक्स का है। यहाँ आप जिस खूबसूरत एक्ट्रेस को देख रहे हो उनका नाम जीविदा शर्मा है। फिल्म में इनका नाम पूजा रहता है। इन्होंने ये दिल आशिकाना मूवी से बॉलीवुड डेब्यू करी थी। हालांकि उनका करियर डेब्यू एक तमिल फिल्म से हुआ था। जीविदा की वर्तमान उम्र 41 ईयर है। मूवी में यह सीन उस समय दिखाई जाती है जब रजत बेदी आदित्य पंचोली को गोली मारता है और फिर आदित्य पंचोली भी उसे पलट कर मार देता है। यहाँ उन दोनों की मौत हो जाती है, जिसके बाद फिल्म का विलन पूजा को हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाने की कोशिश करता है। मूवी में यह सीन कुछ इस तरह से शूट हुआ था। इसी फाइटिंग सीक्वेंस का यह अगला सीन है, जब करण को होश आता है और वह पूजा को बचाने के लिए उठता है। करण गुस्से में आकर उस विलन को उठाकर ब्लेड से टकरा देता है एंड हेलीकॉप्टर के ब्लेड से लगने की वजह से तभी विलन का गला कट जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। इस फाइटिंग सीक्वेंस को शूट करने के लिए किसी असली इंसान को ऊपर नहीं फेंका गया था जिससे कि ब्लेड में लगकर उसका गर्दन कटा था, बल्कि शूटिंग के लिए डमी तैयार किए गए थे जो हूबहू मूवी के मेन विलन की तरह दिखता है, जिसे आप यहां देख रहे हो जो साइड से डमी पकड़े है। इस पुतले को कुछ इस तरह से हेलीकॉप्टर के विंग पर फेंका जाता है। मूवी में यह सीन एक्चुअली कुछ ऐसा था। जो मूवी के लीड एक्टर हैं, जिन्हें आप यहां देख रहे हो, उनका नाम करण नाथ है। इनकी वर्तमान एज 38 ईयर है। ये दिल आशिकाना उनके करियर की पहली फिल्म थी और ब्लॉकबस्टर भी थी। इस फिल्म के बाद करण नाथ की बुलंदियां आसमान छूने लगी थी, बट बदकिस्मती तो देखिए, इसके बाद उनकी एक भी मूवी नहीं चली एंड 2020 में उन्हें आखिरी बार गुंस ऑफ बनारस में देखा गया था, जो बुरी तरह से फ्लॉप ही रही। क्लाइमेक्स के अगले सीक्वेंस में फिल्म मेकर ने जमकर पसीने बहाए हैं। फिल्म के डायरेक्टर कुकू कोहली को यहां आप निर्देशन देते देख रहे हो। केवल एक शॉट को शूट करने के लिए काफ़ी मेहनत यहां की जा रही है। हेलीकॉप्टर के ब्लेड से कटकर विलेन की मौत हो जाती है और मूवी समाप्त हो जाती है, बट इसे शूट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि उस समय जब यह मूवी आई थी तब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो यहाँ तक आपने देखा कि मूवी के इस हेलीकॉप्टर वाले सीक्वेंस के पहले पार्ट को शूट करने के लिए विलेन के डमी को हेलीकॉप्टर के विंग पर फेंका जाता है। अब आप जो यहाँ सीन देख रहे हो उसे आफ्टर इफेक्ट द्वारा मूवी में रिप्रेजेंट किया गया है। एक्चुअली यहाँ डायरेक्टर साहब दो डिफरेंट एंगल से इस शॉट को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पहले वाले शॉट में ब्लेड से लगने का एक्सप्रेशन लिया जा रहा है। आप यहाँ देख रहे हो कि हेलीकॉप्टर बिल्कुल बंद है, इसके रोटर को एक क्रू मेंबर द्वारा घुमाया जा रहा है। पहले तो इस सीन को शूट करने के समय काफ़ी मुश्किलें हुई क्योंकि डायरेक्टर साहब कुकू कोहली को रियल टच नहीं मिल रहा था, जिसके लिए वह इस शॉट को कई बार लिए थे। फाइनली यह सीन पूरा हुआ। दूसरे कैमरा एंगल में ब्लेड से टकराकर जब विलेन की जान चली जाती है तो यहाँ उस वक्त का एक्सप्रेशन लिया जा रहा है। इसके लिए भी काफ़ी मशक्क़त करी जा रही है। एक्चुअली ऐसा है ना कि जब यह मूवी आई थी यानी 2002 में, उस वक्त इंडिया में फिल्म मेकिंग के उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे। हालांकि आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई हो चुकी है कि एक स्टूडियो के अंदर ही बाहुबली जैसे बड़े लेवल की फिल्म तैयार कर ली जाती है, क्योंकि अब फिल्म मेकर्स के पास VFX जैसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी मदद से वह हेलीकॉप्टर से लेकर बड़ी बड़ी मीनारें खड़ी कर सकते हैं। देखिए, ये दिल आशिकाना मूवी में टोटल 9 गाने थे। नदीम शर्मा की म्यूजिक ने गानों में 4 चांद लगा दी थी, इसलिए आज भी ये गाने फ्रेश ही लगते हैं। जनवरी 2002 को ये दिल आशिकाना मूवी रिलीज हुई थी। उस समय इस मूवी के 1,60,00,000 म्यूजिक कैसेट बिके थे। दैट मीन्स आज के समय में यह मूवी अगर रिलीज होती तो ना जाने कितने रिकॉर्ड्स बना लेती।
जब से मैं सॉन्ग का यह BTS है, इस सॉन्ग को गाया है कुमार सानू ने, सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर है नदीम सरवन जी और स्क्रिप्ट लिखा है समीर ने। मूवी के मैक्सिमम सॉन्ग नदीम सरवन जी का ही है। मैं आपको बता दूं कि जब से मैं सॉन्ग को मुंबई की फिल्म सिटी में शूट किया गया था, यहाँ शूटिंग एक स्टूडियो के अंदर हो रही है। यहाँ जो आप सीढ़ीनुमा हॉल देख रहे हो वो एक्चुअली स्टूडियो के अंदर ही तैयार किया गया है। फिल्म मेकिंग में हवा के झोंकों को दिखाने के लिए बड़े बड़े फैन लगाए जाते हैं ताकि नेचुरल लगे। यानी जब से मैं सॉन्ग को यहाँ आप सरोज खान द्वारा कोरियोग्राफी करते देख रहे हो, वैसे उन्होंने ये दिल आशिकाना मूवी के सारे सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है। वो छोटे छोटे स्टेप पर फोकस करती दिख रही हैं, उनकी कोरियोग्राफी में परफेक्शन आपको यहाँ झलक रहा होगा। इसलिए यहाँ आप देख रहे हो कि एक छोटे से छोटे स्टेप्स को शूट करने के लिए बार बार टेक लिए जा रहे हैं। एंड वीडियो के आखिरी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाते जाते अपना कीमती लाइक कर दें। एंड अगर आपने अल्लू अर्जुन की पुष्पा का बिहाइंड द सीन मिस कर दिया है तो हमारे चैनल से चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।